नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। रिलायंस पावर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। आज रिजल्ट कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया है, लेकिन लॉस इस बार थोड़ा सा कम हुआ है अगर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो। किस टाइप का रिजल्ट आया है, स्ट्रक्चर किस टाइप का बन रहा है, मेजर सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 26.6 का और मार्केट यहाँ पे 10,685 करोड़ का और लगभग 80% यहाँ पे रिजर्व कैश है कंपनी के पास, जो कि 7,597 करोड़ का, जिसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं। सारा पैरामीटर में वही पैरामीटर एक पॉजिटिव शो कर रहा है। अगर आप इंडस्ट्री पे देखेंगे 30.9 का स्टॉक का पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज कंपनी यहाँ पे लॉस डिक्लेयर कर रहा है। डेप्ट इक्विटी हाई है 1.62 है, किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी अबव 1 आप उसको रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 28%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 48% और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 104%। इसका मीनिंग है कि लास्ट 1 ईयर से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्म कर रहा है एंड प्लेज परसेंटेज है 0 है, जिसको आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो देखिए दिसंबर क्वार्टर में था यहाँ पे सेल्स 1947 करोड़ का एंड अभी क्वार्टर फोर मार्च 2024 में 1997 करोड़ का स्लाइडली यहाँ पे सेल्स में जम्प देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर में था नेगेटिव 1137 करोड़ का एंड इस क्वार्टर में आया है नेगेटिव 398 करोड़ का, मतलब 398 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में हुआ है एंड प्रीवियस क्वार्टर में लॉस था 1137 करोड़ का लॉस हुआ है, लेकिन लॉस धीरे धीरे करके यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर आने वाले कुछ क्वार्टर में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, तो उसी केस में तो स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो सकता है, तो जो कि आगे हम देखेंगे। लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ चांस बन सकता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, प्रमोटर के पास बहुत ही लो क्वांटिटी है, 23% के आसपास है। एफआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं 5%, सरप्राइजिंगली एफआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग लगभग 5% इंक्रीज कर चुके हैं। अगर आप डीआई का होल्डिंग देखेंगे 4.94% एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 58.81% एंड पब्लिक यहाँ पे शेयर होल्डिंग के डिक्रीज किए हैं 5%, जो कि पॉजिटिव साइन है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पे स्टॉक का प्राइस मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है ना, ये ओपन हुआ है रिलायंस पावर का और यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस ईयर 2008 में यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था, उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन को टेस्ट किया है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड फाइनली ईयर 2023 में प्राइस देखिए यहाँ पे मल्टी ईयर का जो डाउन ट्रेंड था ना, मल्टी ईयर का जो रेजिस्टेंस था, उसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट किया, इसका मीनिंग है कि प्राइस यहाँ पे उसका मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करके एक नया अप ट्रेंड को एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी हो रहा है। बस जैसे यहाँ पे कुछ ईपीएस का सपोर्ट मिल जाएगा एंड यहाँ पे अर्निंग्स एंड सेल्स में ग्रोथ आ जाएगा, तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्लू लाइन था मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, उसको ब्रेकआउट करने से पहले प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन में कंसोलिडेशन करके एक बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट किया था। लेकिन प्राइस जो अभी करेक्शन किया है ना, उसका बड़ा रीजन है डाइवर्जेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे एमएसडी में डाइवर्जेंस था, जिसकी वजह से प्राइस में यहाँ पे सप्लाई आ गया है। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है एंड प्राइस हमेशा से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके ही चलता है, फ्यूचर को डिस्काउंट करके ही चलता है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आगे आने वाले टाइम में प्राइस पुल बैक करके यहाँ पे जो लेवल बन रहा है नियरली 18.519, इसी लेवल के आसपास आ जाएगा ना, यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं 18.5 या 19, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस के लिए जो जोन है ना आपका आज है मल्टी ईयर का सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे एमएसडी का डाइवर्जेंस था, जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई आ गया है। 18.5 या 19 के आसपास प्राइस यहाँ पे बेस्ट फॉर्मेशन के साथ सपोर्ट ले सकता है एंड इस लेवल को टेस्ट करने के बाद प्राइस फिर से जो इसका लेटेस्ट है 34, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद इसको टेस्ट करेगा एंड उसके बाद फर्दर मूवमेंट दे सकता है। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए एंड फ्रेश अपॉर्चुनिटी तो इस लेवल के आसपास बन सकता है, जो कि सबसे लो रिस्क जोन है 19 या 18.5 के आसपास। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस उसका जो मेजर रेजिस्टेंस है 60 लेवल को टेस्ट कर सकता है, पहले 34 उसके बाद 60, उस हिसाब से आपका क्वांटिटी एंड रिस्क को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।